हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीना किचन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके साथ एक नया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और रेसिपी है ब्रेड कचौरी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलेगा, प्लीज़ शेयर करना। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रेपसी, कितना टेस्टी कचौरी हम बनाएंगे, आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, यहाँ ब्रेड कचौरी बनाने के लिए ले लिया बॉयल पोटैटो यानी कि आलू, चॉप्ड ओनियन, एक टमाटो चॉप्ड कर लिया, शिमला मिर्च चॉप्ड, यहाँ लहसुन चॉप्ड और दो हरी मिर्च। यहाँ ले लिया ब्रेड, क्योंकि हमें ब्रेड कचौरी बनाना है। देखिए, मैं ब्रेड को बेलना से थोड़ी सी बेल लिया, बेलन से इस तरीके से ग्लास से मैं काट लिया। आप चाहे तो कोई बिस्किट काटर से भी काट सकती हो। पैन पे ऑयल ले लिया, यहाँ दे दिया लहसुन, दो कलिया लहसुन चॉप्ड करके दे दिया। इसको अच्छी तरीके से भूनना है, पकाना है। अब दे देंगे चॉप्ड ओनियन, इसको भी अच्छी तरीके से पकाना है। दो दे दिया हरी मिर्च जो मैं काट के रखा था। अब टोमेटो, चॉप्ड टोमेटो दे दिया। सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाना है। क्योंकि ब्रेड कचौरी का स्टफिंग बनाएंगे हम। अभी दे दिया शिमला मिर्च, इस सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप भी एक बार घर पर ट्राई कर लेना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है खाने से ये रेसिपी। अभी दे देंगे छुरी सूखी मसाला, यहाँ दे दिया रेड चिली पाउडर या कि लाल मिर्च पाउडर और दे दिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और दे देंगे साल्ट यानी कि नमक। मेरी हिसाब से मैंने साल्ट दे दिया, आपको हिसाब से आपको देना है। देखिए, सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाना है। अभी दे देंगे मिर्च, ओनियन, चोरी पोटैटो, बॉयल पोटैटो, भी सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से पकाना है फ्रेंड। अब दे देंगे चाट मसाला, लास्ट स्टेप है। इसको भी अच्छी तरीके से पकाना है फ्रेंड। देखिए, हमारा स्टफिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अभी इसको अलग करके रखेंगे। यहाँ मैंने ले लिया फ्लोर यानी कि मैदा को, थोड़ी सी बैटर बनाना है। देखिए, मैंने इस तरीके करके ब्रेड स्क्वायर शेप में काट लिया है। अभी बीज में स्टफिंग दे दिया, साइड में दे देंगे जो मैं फ्लोर से बनाया बैटर, वही बैटर साइड पे दे देंगे ताकि दोनों अच्छी तरीके से सूख जाए, खुल ना जाए।
देखिए अभी अच्छी तरीके से सूप का देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप एक बार घर पर ट्राई कर लेना। इस तरीके फॉक से मैं भी चारों साइड में थोड़ी सी प्रेस कर दे देंगे ताकि और अच्छी तरीके से सूप का जाएगी, फूल नहीं जाएगी। अभी देखिए ये बैटर में थोड़ी सी छोड़ दिया और यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स रखा वहाँ पे, इसको दोनों साइड अच्छी तरीके से दबाना है ब्रेड क्रम्स में। और एक तरीका मैं बनाया है, स्टफिंग भरने के बाद इस तरीके से मैं ग्लाट से काटा है, देखिए कितना अच्छा स्क्वायर शेप हुआ। तो फ्रेंड्स मैं पहले कढ़ाई पे ऑयल दे दिया, ऑयल ऑलरेडी हीट हो चुकी है, मैं एक एक करके छोड़ दूंगी ऑयल पर। देखिए मैं गैस का फ्लेम मीडियम में रखा है, हाई फ्लेम में नहीं देना है फ्रेंड, क्योंकि हाई फ्लेम में देंगे तो जल से जल फ्राई हो जाएगी, अंदर से अच्छी तरीके से क्रेप से नहीं बनेगी, इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। देखिए कितना बढ़िया सा रेडी है ब्रेड कचौरी, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड। देखिए हमारा सारा कचौरी रेडी है। तो फ्रेंड्स आजकल के लिए रखती हूँ, खुदा हाफिज़, बाय।